करंट लगने से युवक की मौत, बिना परिजनों को बता पुलिस करा रही थी पोस्टमार्टम। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। यूपी के संभल से बिजली विभाग की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते एक युवक की जान चली गई। दरअसल मामला नखासा थाना क्षेत्र के सलारपुर गाँव में बिजली विभाग का कर्मचारी लाइट ठीक करने आया था और गाँव में ही बने ट्यूबवेल पर लाइन ठीक कर रहा था, पर लाइन में अचानक लाइट आने पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक राजेंद्र के परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी नखासा कार्यवाही से बचने के लिए मृतक के शव को परिजनों को सूचित किए बिना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसे परिजनों को पता चलने पर उन्होंने चौधरी सराय चौकी पर एम्बुलेंस को रोक दिया। जब मीडिया के लोगों ने वीडियो बनाने शुरू किए तो उन्हें रोका गया। मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस संभल पुलिस पर आरोप लग रहे हैं वो अब मामला उजागर होने के बाद मृतक के परिवार को क्या इंसाफ दिलाती है। कौन से गांव से? नई बस्ती। कैसे मौत हुई? कैसे मौत हुई? कैसे मौत हुई थी? लैंडमैन से। आपको सूचना मिली क्या? और दिन में करीब परिवार वाले सूचना दी? ऐसी लेके आ गए कोई सूचना नहीं दी? और फिर आप जो रोकी है किसने जबरदस्ती रोकी है सर? है जबरदस्ती रुकवाई थी गाड़ी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो भेज दी भेज दिया भेज के भेज दिया। कोई परिवार वाला गया क्या? आप परिवार वाले गए। अच्छा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? छोटे छोटे बच्चे सर, क्या करें यार, छोटे छोटे बच्चे उनके। तो कोई अधिकारी आया कोई? क्या नहीं आया। और आप किस समय गए थे बताएं आपको? कब गए थे वो काम पे? कब गए थे? क्या बजे? और ये खबर कब मिली आपको? खबर कब मिली आपको इसकी? ये खबर कब मिली? नेता हम मुझे पीए वो 2 बजे करीब। 2 बजे? 2:30 बजे घर बात कर रहे हैं। ये तो पता ना साहब, हमें कैसे मौत हुई हमें तो अब पता लगा। अब कहाँ जा रहे हो? अब तो एक एम्बुलेंस भगा लाया थाने से, रोकी है जबरदस्ती यहाँ पर आन के, पता ही ना दे रहा कि क्या बात है क्या नहीं है, कैसे खत्म हुआ, क्या कौन खत्म हुआ, किसने लैंडमैन नहीं है इसके साथ का, कौन है क्या है, किसी को पता नहीं है हमें। आपका क्या नाम है? हरपाल नाम है। ये आपके कौन थे? भाई था हमारा। तो आपको पता नहीं? कुछ पता ही कुछ नहीं। कौन से गाँव के रहने वाले हो? नई बस्ती संभल।